ऐसे चिल्लाओ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे क्या हुआ? क्या हुआ आदित्य भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या किया चकोर तूने? हमने कुछ नहीं किया है, सब तुमने किया है। क्या? अरे और का, हमका आदित्य बाबू का कपड़ा इस्त्री करना था और तुमने हमका आटा गोदे को बिठा दिया, तो डांट तो पड़ेगी ना? हाँ, हमारे शर्ट इस्त्री करने को दीजिए। सुबह से बोल रहे थे हमारे शर्ट इस्त्री होने चाहिए ना, तो खुद से कर लीजिए, हम वही करेंगे। दिलाली दीदी हमका कहेगी आटा गूंदना है तो आटा गूंदेगी, है ना लाली दीदी? अच्छा अच्छा, तू जा आदित्य भैया के कपड़ों पे इस्त्री कर, आटा हम ही गूंथ लेते हैं। ठीक है, आप कहिए तो कर लेते हैं। चलिए नमस्कार भैया जी। ले आए जी? भैया जी ये लीजिए। जरूरी पेपर्स आए, तुम जाओ। अरे एमपी साहब, ऐसे कौन से जरूरी पेपर्स हैं आपके लिए? ईश्वर रावत के ट्रांसफर ऑर्डर्स। क्या? हमने होम मिनिस्ट्री से बात की थी, ऐसे इलाके में ट्रांसफर करवाई है जो नक्सलवादियों से भरा पड़ा है, जांच देने से पहले ही उसे ठिकाने लगा देंगे। और हम इस नाकारे जज प्रभाकर रावत के घर श्रद्धा के फूल लेकर जाएंगे। अगर ठिकाने नहीं लगा तो बागी हो जाएगा, हमारे खिलाफ मुहिम छेड़ सकता है, उसकी ऊपर तक भी तो पहुंच हो सकती है ना? कहना क्या चाहती हैं? हमने ये ट्रांसफर ऑर्डर्स मंगवाने में जो मेहनत की है वो सब व्यर्थ है। नहीं एमपी साहब, सिर्फ ट्रांसफर कराने से क्या होगा? आप तो कह रहे थे कि आप उसके माथे पर मोहर लगवाएंगे। सबकी कलाई पे एक ही साइज का निशान बनाया उसने, सोचते हैं एक निशान अपनी कलाई पर भी गुदवाई ले। यकीनन गुदेंगे निशान, लेकिन तेरे हाथ पे नहीं, तेरे माथे में। अरे हम पर भरोसा कीजिए एमपी साहब, हम आपकी पत्नी हैं, अगर आपकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई ना तो हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कभी कभी नेता नहीं अभिनेता बनकर देखिए। हम समझे नहीं? हम आपको समझाते हैं। अरे वो तो कहेंगे कि आम ले जाओ, पर आपको तो मना कर देना चाहिए था। एक तो अभी तक ईश्वर ने फैक्ट्री का एनओसी नहीं दिया है, और वो आम के टोकरे अच्छा थोड़ी लगता है, क्या लखनऊ में आम नहीं मिलते? अरे यहाँ की दशहरी पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर है, और भैया जी का तो अपना आमों का बागीचा है, उन्हें कौन सा कमी होने लगी है आमों की? अरे आबा बेटी, क्या हुआ? ईश्वर कहाँ है? वो गांव घूमने गए हैं। क्या एमपी साहब, आप एमपी हैं उसके बाद भी हमारे ईश्वर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे? क्या कर सकते हैं मिसेस एमपी, गृह मंत्रालय से ऑर्डर निकल चुका है, अब इस मामले में हमारे जैसा मामूली एमपी कर भी क्या सकता है? क्या भैया जी, गृह मंत्रालय से कौन सा ऑर्डर निकल गया है बताइए ना, सब कुछ ठीक तो है? अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या क्या ठीक हो जाएगा? हाँ क्या ठीक हो जाएगा मिस्टर सैंडी, अब इतना आसान समझती हैं क्या? अब तभी कुछ हो सकता है जब जब हम खुद गृह मंत्री से बात करेंगे। भैया जी आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं, बताइए ना क्या बात है, कहीं ईश्वर, हे भगवान
मेरे ईश्वर को कुछ ना हो। देखिए आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं, आप ही बताइए ना क्या बात है। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपने हमें अपनी छोटी बहन कहा है तो फिर एकदम चिंता मत कीजिए। क्या एमपी साहब, आप कुछ कीजिए ना। हम चाहते हैं कि ये लोग खुशी खुशी यहाँ से आए हैं तो खुशी खुशी यहाँ से वापस जाएं। भैया जी आखिर मामला क्या है? तुमने तो मेरे पापा से बात की कि हमका लखनऊ साथ ले चलो। पापा कह रहे थे तुम्हें लखनऊ ले जाना संभव नहीं है, मगर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। ये हवेली की चकोरिया हमें कहना ही जाना है, इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। नहीं हमका घर नहीं जाना और यहाँ भी नहीं रहना, बस लखनऊ जाएगा। क्या तुम अपने घर नहीं जाना चाहती हो? जाना भी चाहते तो नहीं जा सकते। हमका पहले से शक था कि तुमने बापू की मालिक के सामने एक ना चली। तुम हमारे बापू को नहीं जानती, वो सब कुछ कर सकते हैं। सब क्या बताएं, ये गृह मंत्रालय वाले जो है ना, इन्हें अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है, ना जांच पड़ताल करते हैं। अब देखिए इतने ईमानदार ऑफिसर को हम ईश्वर रावत जी की बात करते हैं, उनका ट्रांसफर करवा दिए। कहाँ? लालबाड़ी एरिया में। भाभी जी 24 घंटे वहां गोलियां चलती है, बताइए। हे भगवान, वो जगह तो ऐसी है जैसे किसी को काला पानी की सजा दी गई हो। हमने तो सुना है कि जो वहां जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। ये सरकारी फैसले ना हमें समझ में नहीं आते। हम बताइए इतने ईमानदार ऑफिसर को ऐसी जगह भेज दिया। हम तो सोच सोच के परेशान हैं कि अगर ईश्वर को कुछ हो गया तो आप लोगों का क्या होगा। भैया जी आप ही कुछ कर सकते हैं, आपकी पहुंच तो ऊपर तक है। क्या कर रहे हैं आप जज साहब, शर्मिंदा कर रहे हैं आप। आप हमारे बहुत ही नजदीकी दोस्त हैं, चिंता मत कीजिए, हमसे जो भी होगा हम करेंगे। इतने बड़े जज जो ठहरे आप, दुनिया का कानून जानते हैं आप, तो ये भी जानते होंगे कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। भैया जी हम आपका मतलब समझते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको एनओसी मिल जाएगा। किसी को बताना है कि हम वो के पास नहीं है। किसको? तुम झूठी हो, चालाक हो, वो के पास लो। हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। विवान हम तो को धोखा नहीं दिए। विवान रुको, विवान हम तो को धोखा नहीं दिए। विवान तुम हमारी मदद कर सकते हो? कुछ सोचते हैं। चलो जल्दी यहाँ रख दो ये टोकरे को। चाचा तुमने गाड़ी में क्या कर रहे हैं? हम पूछते हैं। लाखन भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? आम के टोकरे रखवा रहे हैं, तोरे संग जाए ना।
चलो शाबाश। लगता है तुम्हारे लखनऊ जाने का रास्ता निकल आया है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बाहर गाड़ी देख रहे थे। यहाँ क्या खड़ी हो? हमने तुमसे कहा था ना हमारे कपड़े प्रेस कर देना। जाओ हमारे कपड़े इस्त्री करो, हमें देर हो रही है जाने को। आप तो समझदार भी हैं और एजुकेटेड भी, तो आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि अगर बाहर जाना जरूरी हो और दरवाजा छोटा हो तो सर झुकाना ही पड़ता है। अगर हमें ईश्वर का भविष्य बचाना है तो भैया जी से समझौता करना ही पड़ेगा। बाबा आप भी अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर सर झुकाने या समझौता करने जैसी कोई भी बात उनके सामने तो आप सोच लीजिए वो क्या करेंगे। पर बेटा अगर ईश्वर को ये बात पता ही ना चले तो? आपका मतलब है कि हम उन्हें कुछ ना बताएं? किसे क्या ना बताने की बात हो रही है, जरा हम भी तो सुने। कुछ नहीं, चलने की तैयारी कीजिए, सामान बाहर जा चुका है। आप लोग चलिए, हम आते हैं। बाबा को जाने दो, हम कुछ दिन ठहरेंगे यहां। क्यों? बाबा अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि ये जितने भी गांव वाले हैं ना ये सारे के सारे भैया जी के बंधुआ हैं। हम गांव में गए थे पूछताछ के लिए, हर एक के हाथ में मोड़ देखी हमने। वो मासूम सी बच्ची है ना चकोर, वो भी एक बंधुआ है। छोटी सी बच्ची, हमें पूछताछ करनी चाहिए पर किसी ने अपना मुंह नहीं खोला, सबने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। और हम जानते हैं कि उन मजदूरों की खामोशी ही उनकी आवाज है। आप हमें कुछ करना होगा, यहां रह के सबूत इकट्ठे करने होंगे, वरना ये भैया जी का साम्राज्य ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखिए इतने ईमानदार ऑफिसर को उनका ट्रांसफर करवा दिया लालबाड़ी एरिया में, 24 घंटे वहां गोलियां चलती हैं, बताइए। ईश्वर हमने कभी भी आपकी कोई बात नहीं डाली है, मगर कल से आदित्य का स्कूल शुरू हो रहा है, उसकी किताब का विमोचन भी हो रहा है, उसकी भी तैयारी करनी है, और आप तो जानती हैं कि हमारा रिसर्च भी अधूरा है, इसलिए हम फिर कभी आ जाएंगे। अभी आप बाहर चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आम की टोकरी तो बहुत भारी है भैया। हाँ संतोष भैया, ऐसा करते हैं इसमें से कुछ आम कम करते। हाँ यही करते हैं। नहीं 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 भारी है, हम हाथ लगा देते हैं। आम क्यों कम कर रहे? रहने दीजिए, रहने दीजिए, बड़े बाबू रहने दीजिए। आराम से, आराम से। तो चलिए जज साहब, अपने सेहत और हमारी बात का ध्यान रखिएगा। जरूर भैया जी, जरूर। रागिनी बेटा इधर आइए, ये लीजिए आपके लिए। सूरज बेटा आप भी आइए। अरे
अरे बच्चों, मौसी को थैंक यू बोलो। थैंक यू मासी। थैंक यू मासी। अरे आदित्य, अब आदित्य को जाकर बाय तो बोलो बेटा। वो हमारा दोस्त नहीं है। ये कमी सिखाई है हमने आपको। जाइए, अदब से सी ऑफ कीजिए। चलिए जा बेटा, जा। बाय। ये ईश्वर कहाँ रह गया? जी वो आते ही होंगे। कमी तो नहीं कह गई कलेक्टर साहब? अरे भैया जी, कैसी बातें कर रहे हैं? जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पाया। आप तो मालिक हैं यहाँ के, कमी कैसे हो सकती है? चलिए फिर भेंट होती है लखनऊ में, आदित्य की पुस्तक के विमोचन पर मिलते। दादा दादी के साथ। आदित्य बेटा, क्या हुआ, किसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं आप? वो कुछ नहीं दादी, वो हम मम्मी पापा की गाड़ी देख के मुस्कुरा रहे हैं। आपने हमसे कहा कि वापस चलिए और हम चल रहे हैं वापस, फिर भी आप परेशान लग रही हैं, क्यों? नहीं, हम परेशान नहीं हैं। बाबा जी, हम आपको आपसे बेहतर जानते हैं और आपकी जो ये बड़ी बड़ी खूबसूरत सी आंखें हैं ना, ये हमें बता रहे हैं कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। बताइए ना क्या बात है। अब देखिए, इतने ईमानदार ऑफिसर को उनका ट्रांसफर करना चाहिए। कहा
लाल बाड़ी एरिया में 24 घंटे वहां गोलियां चलती हैं, बताइए। भैया जी आप ही कुछ कर सकते हैं, आपकी पहुंच तो ऊपर तक है। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको एनओसी मिल जाएगा। क्या? और आप हमें अब बता रही हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ईश्वर नहीं रहना है हमें यहाँ पर, आप बस मेहरबानी करके यहाँ से चलिए, हमें बहुत डर लग रहा है ईश्वर, हम नहीं रहना चाहते यहाँ, आप प्लीज चलिए। हाँ, चल रहे हैं हम, चल रहे हैं, परेशान मत होइए। चकोर कहाँ है? चकोर वहाँ, चकोर आम की टोकरी में, यहाँ क्या कर रही है? पापा को बताइए। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, हम देखते हैं कि क्या चक्कर है। ईश्वर बेटे गाड़ी क्यों रोकी? तो है क्या बात है बेटा, गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि आजकल की नई गाड़ियों का कोई भरोसा नहीं। जी नहीं, वो आप अभा कि आभा भी ना, जल्दी जल्दी में नाश्ता ही नहीं किया इसने, अब भूख लग गई इसे। हमने कहा कि वो सामने चाय वाला है तो कुछ समोसे वगैरह खा लेते हैं। प्रणा जी देखिए अपने सुपुत्र को, जिसने आज तक कहीं बाहर का पानी नहीं पिया वो आज बाहर के समोसे खाने की बात कर रहा है। मजाक कर रहे हो क्या? मजाक नहीं कर रहे अम्मा, सच में आइए ना समोसे खाते हैं। दादाजी अरे भैया 6 समोसे देना यहाँ पे और 3 समोसे गाड़ी में देना। बड़की भाजी पूरा गांव ढूंढ मारा पर पता नहीं वो पिद्दी कहाँ उड़ान भर गई। ढूंढो और जब तक ढूंढ ना पाओ हमारे सामने मत आना। जी भाजी चलो रे। भाभी जी हमें आपकी सौगंध, हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो लखनऊ वाले मेहमानों के आवभगत में लगे हुए थे, हमें जरा भी भनक होती कि वो भाग रही है तो हम उसके टांगे तोड़ देते। तुझसे तो हम बाद में निपटेंगे गिरजा, लेकिन अभी हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो छोकरी कहाँ जा सकती। जिसमें उड़ने का साहस हो बड़ी बहू वो चिड़िया पिंजरा लेकर भी उड़ जाती है।
हे प्रभु, अंधेरे में रहने वालों की आंखों को शक्ति दे ताकि वो सत्य का उजाला देख पाए। उजाला तो सभी को दिखाई दे रहा है अम्मा, फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अंदाजा नहीं कि वक्त कितना बदल गया। वक्त बदल गया ये हम जानते हैं बहू, नहीं बदलता तो किसकी हिम्मत थी। इस बंदी खाने को तोड़ के बाहर निकल जा। जो बाहर गया हुआ है ना अम्मा, उसे हमें अंदर लाना आता है। हे प्रभु, निर्दोषों की रक्षा करना। मम्मी, मम्मी, क्या चाहिए? हमें कुछ जरूरी बात बतानी। जाइए बहू रानी, सुन लीजिए, कभी कभी दूसरों की बात भी सुन ले। बड़ी मलकिन, चलिए आप अपने कमरे में चलिए। इस पाखंडी लड़की ने तो सबका दिमाग खराब करके रख दिया। पाखंडी ने गिरजा, सास, जो इतने सालों में तुम नहीं कर सकी ना, उस नन्ही सी जान ने कर दिया। एक, दो, तीन, चार और ये हुआ पांच। इका, हम का उल्लू समझाते का? कैरी इतना सारा, अब पैसा खाली इतने? अभी ले लिया है काका, जब बोली हुई गई तो हम तो का दुख ना दे दे। हमका इस सबसे ना मतलब है, पूरा कैरी का पैसा दो तब ले जाओ, नहीं तो फूटो यहाँ से। हमसे तोड़ बल करके तो कुछ शर्म नहीं आते का? हम इतने छोटे से हैं और तुम हम पर इतना जुलुम करो तो? तुम्हारा दिल है या पत्थर? लियो, रख लियो अपनी कैरी, नहीं बेचेंगे, भूखे मर जाएंगे। का मुसीबत। अच्छा ठीक है भवानी, ले जा। पक्का? हाँ पक्का, ले जा। अरे तू तीन कैरी के बराबर तो खुद है, बेचेगी कैसे? वंडर कहीं की ढूंढो, इस शर्म ढूंढो, चलो। इस शर्म ढूंढो, कोई घर, कोई खेत, कोई बाग नहीं छोड़ना। आज एक मौत पक्की है, ना ही मिली तो हमारी और मिल गई तो उसकी। मुझे ढूंढो उस चकोरिया को, चलो। अरे मुरारिया जी, हुजूर। चकोरिया को देखे होगा? नहीं मालिक। अरे कहाँ मर गई ससुरी? दीदी बहुत गर्म है, बूझा वाला ठंडा करके दो।
पापा क्या हुआ? ये आदित्य बाबू जो कभी टेबल नैपकिन प्लेट के बगैर खाना नहीं खाते, गाड़ी में बैठकर समोसा खा रहे हैं। अजीब बात। अरे वो गाड़ी में बैठ के एसी के मजे ले रहा है और कुछ नहीं। हाँ हाँ क्यों नहीं, सारी आदतें तो आदित्य की आप ही की तरह तो हैं। एसी के मजे लेता है, कभी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है हमेशा, है ना? बिल्कुल आप पर गया है ना। क्या हुआ पापा? हम आपको बताते हैं कि आदित्य गाड़ी में क्यों बैठा। दरअसल आदित्य गाड़ी में अकेला नहीं, उसके साथ कोई और भी। कौन है उसके साथ? आइए दिखाते हैं आपको। आदि टोकरी पे से चादर हटा। ये क्या बोल रहे पापा? आपने जो टोकरी में आम रखे हैं उन्हें धूप दिखानी। चादर हटाओ जल्दी से। आप चादर हटाते हो के? पापा हम सच कह रहे हैं, उस गवार लड़की चकोर को आदित्य के फैमिली वाले अपने साथ लेकर गए। हमने खुद देखा था आदित्य को और उस गवार को इशारेबाजी करते हुए। प्रभाकर रावत एक जज है, उनका बेटा ईश्वर रावत सरकारी अफसर। उन्हें ये नहीं पता कि किसी लड़की को घर से इस तरह उठाकर ले जाना कानूनी कितना बड़ा जुर्म है। हमारे आदमी चकोर को ढूंढने गए, अगर वो थोड़ी देर में नहीं मिलती है तो मतलब साफ हो जाएगा कि सूरज जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। जो कुछ भी है कुछ देर में पता चल जाए। अब शांत हो जाइए। गैर कानूनी ईश्वर रावत, हम इस लड़की को अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये लड़की शर्म नहीं आती, हमारी हमदर्दी का फायदा उठाते हुए बिना बताए भाग रही। दादाजी चकोर की गलती नहीं है, हमने उसे कहा था कि टोकरी में छुप गया और हमारे साथ लखनऊ चले। आयते बेटे आपने ऐसा क्यों? आप तो समझदार, क्या आप नहीं जानते कि भैया जी के नौकर को भगाने से उनके और हमारे संबंध खराब हो जाएंगे? वो नौकर नहीं है। कुछ भी हो हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, हम इसे अभी वापस कर देंगे। हम इस बच्ची को वापस कर देंगे। बाबा ये गुस्सा करने का समय नहीं, ये बच्ची हमारे साथ इसलिए आई है क्योंकि ये हवेली में नहीं रहना चाहती। इसे उम्मीद है कि हम इसे एक अच्छी और आजाद जिंदगी दे सकेंगे। अच्छा, इस देश के बच्चों को ये अधिकार कब से मिल गया कि अपने भविष्य का फैसला वो खुद कर सके? अधिकार नहीं है तो अधिकार होना चाहिए। भविष्य इनका है और ये देश का भविष्य है। ये जुर्म है
एक भ्रष्ट नेता के साथ सौदेबाजी करना जुर्म नहीं है। पापा हम जानते हैं कि आपकी कमल नारायण के साथ में क्या बातचीत हुई। उसे एनओसी का वादा करके आपने हमारा ट्रांसफर रुका दिया। आपने हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि हम उसे एनओसी क्यों नहीं दे रहे। ईश्वर बेटे, हमने जो कुछ भी किया आपके भले के, हो सकता है हमसे भूल हो गई, लेकिन जो आप करने जा रहे हैं वो इससे भी बड़ी भूल है। ये लड़की हमारे साथ नहीं जा सकती। अगर हम ये बस ये लड़की हमारे साथ नहीं आई और हम इसे वापस पहुंचा कर आएंगे। चल लड़की बैठ गाड़ी में। नहीं, हम अविल में नहीं जाए, हम गाविल में नहीं जाना। डैड जी, आप हमका लखनवा ले चलोगे का? बकवास बंद कर लड़की और बैठ गाड़ी में चल। हम नहीं जाए हवेली, हमका नहीं जाना, हमका लखनवा जाने, हम गाविल में नहीं जाना, नहीं जाना। लड़की चल गाड़ी में बैठ। नहीं, हम गाविल में नहीं जाना। चल लड़की बैठ गाड़ी में। नहीं नहीं नहीं, चकोर बेटा, हम आपके भले के लिए कह रहे हैं। अगर आप हमारे साथ लखनऊ जाएंगी ना तो आप परेशान हो जाएंगी ना, फिर कुछ दिनों में आपको अपने बाप की याद आएगी और फिर आप बस आने की जिद करेंगी ना। नहीं, हम कौन जिद नहीं करेंगे, हमने मैं खुद ही बोली रही कि हम उगी नहीं है। मुझे वापस जाना ही होगा लड़की, चल बैठ गाड़ी में। ठीक है, तो आप हमका लखनवा नहीं ले जाएंगे तो हम खुद ही भाग कर चले जाएंगे। चलो चलो हमका, चलो चलो हमने हाँ चलो। तुम कहीं नहीं जाओगी, अब वो ही करोगी जो दादाजी कहेंगे। क्या बक बक कर रहे हो? तुम्हें तो हमका टोकरी में बैठाए थे, अब ये बोल रहे थे? वो बात हमने तब कही थी जब तुमने हमारे दादाजी को नहीं काटा था। दादाजी चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे और सबके सामने बोलेंगे कि चकोर को हमें छुपा के लेकर, वो हमें जो सजा देंगे उसके लिए हम तैयार हैं। शाबाश, होनहार बच्चे ऐसे ही होते। आप लोग लखनऊ वापस जाइए, हम और आदित्य चकोर को वापस पहुंचा कर आते हैं। इमली इमली पता नहीं कहां चली गई, और कब बोले थे यहीं खेलने को, तब से वो हवेली में लोग आए, अपनी तो जान गले में अटक गई, अब क्या होगा? कस्तूरी चिंता मत कर, हम देखा थे। ये आ गई। इमली कहाँ थी तुम बेटी? हाँ, हम कितने परेशान हो गए थे। हाँ, मैं मैं दीदी का चली गई है और हवेली वाले उनको ढूंढ रहे हैं, बोले थे मिली तो मार डाली, हमारी दीदी मर जाई है। मैं अरे क्या बकत है, कौन बोला तुमको? हम खुद सुने हैं अपने कान से, ई कान से, और लखन चाचा उनको ढूंढ रहे हैं। ढूंढो उस चकोरिया को, चलो। बचा लियो हमारी दीदी को। गंगा भैया, अभी कौन नहीं आप बता गए, अब हम क्या करेंगे? हाँ इमली, इमली तो एक काम कर, तू पीछे ना, पीछे के रास्ते से छुप जा, खेतों में जाकर छुप जा और बाहर मत निकल लियो, आई बात समझ में? पर मैं बापू। बस अब जब तक बोले नहीं बाहर मत आना तू, समझी? जा इमली। हमारी चकोरिया को, हमारी चकोरिया को संभाल के रखना, उनकी रक्षा करना। भैया जी, सूरज बाबा सही कह रहे थे, वो छोकरी को टोकरी के अंदर छुपा कर ले गई और आपके दिए हुए ये उपहार यहीं फेंक गए। ये देखिए,
बड़ा भरोसा था ना आपको अपने पहरेदारों पर। देखिए देखिए, चली गई वो चकोर, सबकी आंखों में धूल झोंक कर। तुझे दिखाई नहीं दिया कि वो लड़की क्या कर रही है, कहां जा रही है? टोकरी में से आम निकालकर वो लड़की गायब हो गई और तुझे पता भी नहीं चला? तो है किस काम की बोल, सिवाय खाने और नौकरों पर चिल्लाने के अलावा तुझे कुछ आता है? कहीं तुझे उस लड़की से हमदर्दी तो नहीं हो गई है ना, और इस वजह से तू उसकी मदद कर रही है? बता बता बता। नहीं, हम पैसा मत लगाइए, हमने उसके नहीं भगाया। अरे क्या करते हम, इतनी बड़ी हवेली में इतने सारे मेहमानों का ध्यान रखते रखते हम मर गए, और आप सब हम पैसा लगा रहे? हमने नहीं भगाया, हमने नहीं भगाया। क्यों रे, तेरे भी पर निकल आए क्या? जिसमें उड़ने का साहस हो बड़ी बहू, वो चिड़िया पिंजरा लेकर भी उड़ जाती है। अंधेरे में रहने वालों की आंखों को शक्ति दे, ताकि वो सत्य का उजाला देख पाए। भैया जी, अभी माफ कर दीजिए, हम लोग बूढ़े हो गए, बहुत बड़े बूढ़े हो गए। भाभी भाभी, हमें माफ कर दो, हमको भूल हो गई भाभी जी, हमें मालूम नहीं हम इतना ही ऊंचा क्यों भूल गए भाभी। भैया जी, जस साहब का फोन। बोलिए जस साहब। प्रभाकर रावत कह रहे हैं उन्हें पता ही नहीं वो लड़की उनकी गाड़ी में छिपी बैठी है। उस लड़की को वो यहां वापस ला रहे हैं। समझ में आया गिरजा, इस हवेली से बाहर जाना तब तक संभव नहीं जब तक कि हम न चाहें। आने दे उस चिड़िया को, इस बार हम उसके पंख नहीं काटेंगे, उसके बाजू निकाल देंगे। उसके बाद कभी कोई उड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, कभी नहीं। थका हमारा तुरी छुकरिया ने, जब मौका मिलत है फुर से उड़ जात है। कहाँ छुपाए उस फुरफुरी को? लाखन भैया, हमका कछु नहीं पता, हम कछु नहीं जानते कि हमारी चकोरिया कहाँ चली गई। हम तो खुद ही बहुत परेशान है, पता नहीं हमारी बिटिया कहाँ चली गई। हाँ लाखन भैया, हम तो उनकी शकल भी ना देखे। अब हम तो का एक बात बतावत है भुवन बाबू, जौन उस छुकरिया को हमारे हवाले नहीं किया तो अपनी दूसरी छोकरिया की भी शकल नहीं देख पाओ।
वैसे है कहां तुम्हारी दूसरी छोकरिया? अंदर है ना? आखन भैया, आखन भैया, हम पहले भी बताए चुके हैं और फिर से बताए रहे हैं कि चकोरिया के साथ हमारा कोनो संबंध नहीं है। जिस दिन से उको हम हवेली छोड़ के आए, उस दिन से उके साथ हमारे सारे रिश्ते नाते टूट गए। अब वो हवेली की चीज है, अब हवेली वाले जाने और चकोरिया जाने। अरे भैया, अरे डर गए हम तो। तो भुवन बाबू, आपका कहने का मतलब ये है कि हवेली के लोग सारे बेकार हैं, नाकारा है, निकम्मे हैं, एक छोटी सी छोकरिया को संभाल के नहीं रख सके, ये मतलब है ना? हाँ, देखो लाखन भैया, हम लाखन भैया, लाखन भैया, इनका माफ कर दियो, वो बहुत परेशान है ना, इस वजह से बोल दियो, इनका माफ कर दियो लाखन भैया, हाँ माफी मांगो, माफ कर। पिछली दफे की तरह चकोरिया को चुपचाप हवेली पहुंचाई दियो, जान नहीं पहुंचाया, कहीं हमरे हाथ लग गई तो का वही हाल करेंगे जो हवेली के पुराने सामान का करते हैं, तोड़ मरोड़ के कूड़े में फेंक देंगे। बूझे? चलो रे। हमारी चकुरिया को यह होना चाहिए था हमारे पास, क्या कर दिया हम? चकुरिया की जिंदगी बर्बाद कर दिया हम। कस्तूरी, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि चकुरिया के वापस आए की प्रार्थना करें या उसके जाए की खुशी मनाए हम, क्या करें? कहां गई हमारी चकुरिया? दामोदर जी, ये 420 का केस है, इतना बड़ा स्कैम है कि जब सरकार नहीं दबा सकती तो हम क्या दबाएंगे? चकुर, हमारी बात सुनो। क्या है? ये क्या हो रहा है पीछे? हाँ, ये लड़की क्या बोल रही है? हमसे नहीं, इनसे पूछो। दादाजी, हम तो इसका कांच ऊपर कर रहे थे, ये सड़क को ऐसे देख रही थी, हमें लगा अभी कूद के भाग जाएगी। तुम्हारे जैसे पुस्तक नहीं पढ़े हमने, पर हम बुद्धू भी नहीं है, मोटाई से तेज चल रही है, खुदे तो मर जाएंगे ना, पर हमका मरना नहीं है, हमका तो बहुत काम है। चकुर, हम कह रहे थे। चुप बैठो तुम दोनों। हाँ तो दामोदर जी, मैं कह रहा था कि आप किसी अच्छे से वकील को हायर कर लीजिए। तुम सब बड़े लोग एक जैसे होते हो। तुम सब मतलब? तुम्हारी वजह से पापा ने हमें इतना डांटा, मम्मी और पापा की लड़ाई हो गई। तुम झूठी हो, चालाक हो, धोखेबाज हो। हवेली की मोटर। इमली, इमली तो काम कर, तू पीछे ना, पीछे के रास्ते से छुप जा, खेतों में जाकर छुप जा और बाहर मत निकल, आई बात समझ में? भाग इमली। छोटे भाई ने इमली।
गाड़ी रोको। इमली जी। भाभी जी हम माफी चाहते हैं, हमें मालूम ही नहीं था कि लड़की कब छुपकर हमारी गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही पता चला हम इसे यहां वापस ले आए। बहुत तेज है लड़की। वाकई तेज तो बहुत है। तू हमारी वजह से वापस आई है। हमने तुम दोनों को प्लान बनाते हुए देखा था और समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तुम अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हो ना, हमने तुमको जीरो बना दिया। ज्यादा होशियार मत बन। सूरज अपने कमरे में जाओ। हम तो अपने दोस्त को हेलो बोल रहे थे। मम्मी आओ। हाय। तुम धोखेबाज हो। चुटकी तुमको पता है हमारी दीदी कहाँ चली गई? ये हवेली वाले लोग बहुत बोल रहे हैं। हमारी दीदी को अगर कुछ हुई गवाना तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हम कसम खाते हैं कि जब तक दीदी नहीं मिली तब तक ना हम कपड़ा बदलिए ना तो को बदलने दिए। इमली 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 हमें चकोर का देखा, वो बड़ी गाड़ी में बैठकर हवेली में जा रही थी। का देखा चुटकी, हमारी दीदी जिंदा है, उका कुछ नहीं हुआ। हम तो कल नया कपड़ा पहनेंगे। लू तू हमरा काम करेगा? हाँ हाँ बोल। माई बाप कोई खबर सुनाई दिए? पर तू कहाँ जातो? अरे हमका बहुत काम है, हम जा रहे हैं। समझा कि नहीं? अब जा। ठीक है। अब चल। आप लोग बैठिए, बस हम अभी आते हैं जी। प्लीज। जज साहब आए, आपकी अमानत लेकर। साथ में ईश्वर नहीं, शिकार खुद शिकारी के पास आया है। हरा हरा महादेव। और इस वक्त
मन थोड़ा अशांत था जज साहब, इसलिए थोड़ी पूजा कर ली है। मन को भी शांति मिल गई और जो मांगा था वो भी मिल गया। अब बैठिए। भैया जी, हम माफी चाहते हैं। जिस लड़की की वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी, दरअसल आदित्य भी उसकी बातों में आ गया और उसे अपने साथ ले गया। वो बहुत शर्मिंदा है भैया जी। I'm sorry, अंकल। यहाँ आइए। बैठिए। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं ये लड़की कितनी मक्कार है, अपने बातों के जाल में सबको फंसा ले। हमारे देवर के बेटे विवान को भी ना इससे बहुत उल्लू बना है। इस लड़की की वजह से हमारे घर के संबंध खराब हो गए। हमारी भावज अपने बच्चे को लेकर यहां से चली गई। हमारे भाई मनोहर का घर तोड़ दिया इसने। हम कछु नहीं किए, कछु नहीं किए, हम कछु नहीं किए, कछु नहीं किया हमने, कछु नहीं किया। खड़ी खड़ी देख क्या रही है, ले जाए इसे यहाँ से। मासी, भेजा मुझे। एक मिनट। अंकल, आपको याद है? हमने आपको कविता सुनाई थी और आपने क्या कहा था? आपने हमसे एक वादा किया था कि हम जो मांगेंगे वो आप हमें देंगे। बोलो बेटा, क्या इनाम चाहिए? आपको मेरी कविता अच्छी लगी, वही मेरा इनाम है। फिर भी बताइए बेटा, क्या क्या इनाम क्या चाहिए आपको? अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, टाइम आने पर मांग लूंगा। बताइए क्या चाहिए आपको? हम चकोर को अपने साथ लखनऊ ले जाना चाहते हैं।